जय सियाराम दोस्तों। डोम्स कलर पेंसिल, वाटर कलर, ऑयल पेस्टल कलर, उसके बाद कॉटन बट ब्लेंडिंग करने के लिए, और उसके बाद हम स्मूथ प्लेन टेक्चर के लिए ऑयल अप्लाई करेंगे, निहार ऑयल। तो कैसे करता हूँ इन सभी का यूज़, तो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसका जो भी आगे आने वाला पार्ट है या फिर लास्ट जो भी पार्ट है वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो पार्ट आपको इस वीडियो के इंड स्क्रीन में या फिर इसके आगे आने वाला जो भी पार्ट होगा वो दोनों इस वीडियो के इंड स्क्रीन में ही मिल जाएगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट तक बने रहो और इसके नेक्स्ट पार्ट है उसको भी देखो और ट्यूटोरियल को स्टेप बाई स्टेप फॉलो करके अपने ऑर्डर को कम्प्लीट कर दो। तो ऑयल क्यों अप्लाई करने, ऑयल अप्लाई करने के बाद हम अगर उसके ऊपर कलर करते हैं तो स्मूथ प्लेन टेक्चर बन जाता है। अच्छे बहुत ही कम समय में एक प्लेन टेक्चर बना सकते हैं या फिर कम मेहनत में ही हम अच्छा प्लेन टेक्चर बना पाएंगे, क्योंकि अगर आप बिना ऑयल अप्लाई करोगे, बिना ऑयल अप्लाई करे अगर आप शेडिंग करते हो तो उसमें बहुत ध्यान से आपको ब्लेंडिंग करना पड़ता है, शेडिंग करना पड़ता है कलर पेंसिल से या फिर जो भी कलर हो, फिर भी वैसा प्लेन टेक्चर नहीं बन पाता है। पर यहाँ पे ऑयल अप्लाई करने के बाद आप बिल्कुल लाइटली आपको जो भी कलर यूज़ कर उसको अप्लाई करना है, सेटिंग करना है। उसके बाद आप लाइटली अगर फिंगर से ब्लेंड भी करते हो तो हल्के से पूरा आराम से जो है आसानी से वो ब्लेंड भी हो जाता है। उसके बाद जितना लेयर करना है उतना कर सकते हो। तो यही मैं कर रहा हूँ, कैसे कैसे करता हूँ इस आर्ट को कम्प्लीट। तो आप लोग देखते रहो, कोई भी आपका सवाल है कमेंट में मुझे बता सकते हो। और नेक्स्ट किस आर्टों के ऊपर, इसके बाद जो नेक्स्ट कौन सा रेफरेंस फोटो सिलेक्ट करो ड्राइंग करने के लिए नेक्स्ट आर्टो के लिए, तो वो भी बताना। और नेक्स्ट जो भी करूँगा वो भी आर्ट कॉम्पिटिशन में, नया जो आर्ट कॉम्पिटिशन हमारे चैनल में आने वाली है तो उसमें मैं शायद रख सकता हूँ, तो इसलिए आप भी जरूर ट्राई करके रख देना। इसके बाद कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज होने के बाद उस आर्ट को आप दोबारा ड्रॉ करोगे तो आपका पहले से ज़्यादा ही अच्छा होगा आपका आर्ट ऑफ, तो उससे हमारा चांस ज़्यादा होता है पहले दूसरों से बेटर होने का। या दूसरों से तो नहीं, दूसरे छोड़ दो, खुद से ही आपका आर्ट ऑफ, खुद का आर्ट ऑफ बेस्ट होगा, बेटर होगा। और हर इस तरह से बेटर होते होते हर एक से आपका आर्ट ऑफ बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको भी करना है, एक एक लेयर करने। यहाँ पे मैंने ज़्यादा लेयर नहीं किया, जैसे तीनों कलर का मिक्सअप करके ही मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जैसे ऑयल पेस्टल कलर, वाटर कलर, डोम्स कलर पेंसिल, मतलब कुल मिला के जहाँ पर जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसी को करता हूँ। यहाँ पे डिटेलिंग करना है तो डिटेलिंग तो हम ऑयल पेस्टल से नहीं कर सकते इस तरह से एक एक पार्ट को ड्रॉ, तो इसलिए हम जो है कलर पेंसिल से करें। और यहाँ पे कलर पेंसिल से कोई अलग से नहीं ड्रॉ करना, जैसे हमने पहले आउटलाइन ड्रॉ किया था ग्रेफाइट पेंसिल से उसी डायरेक्शन में सेम प्रोसेस आपको इस बार जो है कलर पेंसिल से करना है। इसके बाद जो भी आप नेक्स्ट लेयर करोगे वही काम आपको सेम लेयर करने, मतलब जिस डायरेक्शन में हमने किया था उसी हिसाब से। कुल मिलाकर जब हम पहले आउटलाइन ड्रॉ करते हैं उसमें ही हमें अच्छे से हम ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा इतना मेहनत नहीं लगता है। और फिर भी जो है सेकेंड, तो अभी आप कौन से मीडियम, आपको कौन सा मीडियम ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि कलर पेंसिल वाला या फिर ऑयल पेस्टल, वाटर कलर, और भी कोई जगह बहुत सारे मीडियम हैं, तो पोस्टर कलर या फिर बहुत सारे कलर्स हैं, मुझे भी इतना मालूम नहीं है, पता भी नहीं है। जो भी चीज़ जो मटेरियल मैं यूज़ करता हूँ उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत जो भी नॉलेज है, तो आप किस मीडिया में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कमेंट में बता सकते हो। और वैसे मैं फिर ये जो है तीनों कलर का ही मिक्सअप करके करता हूँ, उससे ज़्यादा आर्ट वर्क अच्छा लगता है फाइनल लेयर में, तो इसका जो है एक जैसे मैजिक हो जाता है। जैसे हम लास्ट में जो वाटर कलर अप्लाई करते हैं तो वहाँ तक देखोगे, तो यहाँ तक आप जब स्टार्ट करोगे तो जो है आपको ऐसा लगेगा कि हमने ऑयल अप्लाई करके मिस्टेक कर दिया, बहुत बड़ा गलती के मन में ऐसा ही लगेगा कि बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया हमारा। पर आप छोड़ना नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना, एक टाइम होगा जो आपका आर्ट ऑफ ऐसा ही आपको खुद कहोगे कि बहुत अच्छा किया मैंने ऑयल अप्लाई करके। अगर इस तरह से आप एक आर्ट ऑफ उसके बाद दो तीन चार तक अगर आप रुक गए ऑयल से जिस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ उस तरीके से आप चार आर्ट ऑफ लगातार कर लिए, तो आपको जो है नेक्स्ट आर्ट ऑफ कोई और मीडिया में करने को दें तो आपको उसमें ज़्यादा मन नहीं लगेगा, आपको ये इसी मीडिया में ही ड्रॉ करने का ज़्यादा ही इच्छा रहेगी।
तो हम इसको अब ब्लेंड कर देंगे। तो ब्लेंड आपको उसी में जैसे कॉटन वाट से अब यहाँ पे आप तो फिंगर से नहीं कर सकते क्योंकि फिंगर से करोगे तो आपको आर्टोक बिगड़ सकता है, तो इसलिए आपको कॉटन वाट से करना है। और कॉटन वाट से वही काम जिस तरह से हमने कलर पेंसिल शेडिंग किया था उसी हिसाब से सेम वही प्रोसेस आपको इस बार कॉटन वाट से करना है। बस इतना आपको समझ लेना है, कोई अलग से अलग तरीके से ड्रॉ नहीं करना है। बस यहाँ पे आपको जो आप जिस तरह से आप शेडिंग कर रहे हो वो चीज़ आपको शेडिंग चेंज करना है, जैसे आपने पेंसिल से किया अब आपको जो है कॉटन वाट से करना है वही काम, सेम लाइन उसी रास्ते आपको जाना है। अब हम करेंगे हाईलाइट, तो कहाँ कहाँ पे हाईलाइट की ज़रूरत है वो आपको रेफरेंस फोटो में ऑब्जर्व करना होगा, तो कहाँ पे कितना हाईलाइटेड है उस हिसाब से उसको उन पार्टों को देखना है। और आपको लाइटली थोड़ा सा मीडियम प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो हाईलाइट करने के लिए, अब इस तरह से आप हाईलाइट कर देना। और यहाँ पे मैं जो है डोम्स कलर सॉरी ऑयल पेस्टल कलर का जो है 24 शेड्स मिलता है 120 रुपीज़ में, तो वो वाला बॉक्स यूज़ करना जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास 12 पीस जो पेंसिल ले रहता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं वाइट कलर पेंसिल वाइट कलर ऑयल पेस्टल कलर से वाइट का ऑयल पेस्टल कलर सॉरी। तो आपको धीरे धीरे देखना है कहाँ पे, बिल्कुल आपको यहाँ पे टाइम तो देना होगा, आप जल्दी जल्दी करोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो टाइम देते जाना है। और इस आर्ट जो मुकुट का पार्ट है इतने ही पार्ट को ड्रॉ करने में पूरा जो मुकुट इस वीडियो में जितना भी बार आपको देखने को मिलेगी तो वो लगभग 3.5 घंटे का आर्ट वर्क लगभग, तो उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही होगा टाइम इस आर्ट वर्क में लगा है, मतलब इस मुकुट को ही ड्रॉ करने में लगा है। आप जितना चाहो उतना डिटेलिंग कर, और बैकग्राउंड मैंने अलग से जैसा है रेफरेंस में वैसा ड्रॉ नहीं किया है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलग तरीके से कोशिश करूँगा, थोड़ा सा 3D टाइप का वैसे बैकग्राउंड में जो है आपने थंबनेल में ही देखा तो बैकग्राउंड में शेडो टाइप का है, तो इस वीडियो में तो मैंने वो नहीं दिखाया शेडो टाइप कैसे हम ड्रॉ करें। और यहाँ पे मैंने अलग तरीके से रेफरेंस फ़ोटो को जो है इरेज करके उसके बाद उसका बैकग्राउंड शेडो ऐड किया, उसके बाद उस रेफरेंस फोटो को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी कर सकते हो, और यहाँ पे जो ये रेफरेंस फोटो आर्ट कॉम्पिटिशन के लिए संजू आर्ट जी के चैनल में दिया गया है इस रेफरेंस फोटो को ड्रॉ करने का, तो बहुत सारे लोग इसको ड्रॉ कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसके एक ट्यूटोरियल बना दूँ ताकि बहुत सारे लोग देखेंगे, इससे हमें व्यूज़ भी मिल जाएगी। और मुझे अगर ये आर्ट ज़्यादा अच्छा लगे कि आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लायक हुआ मेरे नज़र से, तो मैं शायद पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। और मेरा ये एक सपना है, जब मैंने आज से 3 साल पहले से ही मैं उनके चैनल में आर्ट कॉम्पिटिशन चल रही है तो मैं पार्टिसिपेट करता ही हूँ। मेरा और एक सपना है कि उनके चैनल में उनके आर्ट कॉम्पिटिशन में एक बार जीत जाऊँ, मतलब विनर बन जाऊँ। आज तक वो नहीं हो पाया, टॉप 5, टॉप 3, टॉप 2 उसके बाद टॉप 50, टॉप 30, 20 ये सब में ही रह गया, कभी विनर तक नहीं बन जा पाया। तो जब तक सर ये पार्टिसिपेट कर भी सकता हूँ ना भी कर सकता हूँ, तो मेरा एक छोटा सा जो है कह सकते हो कि एक टारगेट है, तो यहाँ जाने कब पूरा होगा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम अपने चैनल में ही खुश हैं। वैसे बहुत इच्छा थी, वैसे मैंने पहले आर्ट कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किया था 2021 में, तो मेरा ये यूट्यूब चैनल काफ़ी नया नया था, तो उसमें ड्रॉ करने को दिया गया था सुशांत सिंह राजपूत जी का आर्ट, उसमें मैंने पेन से ड्रॉ किया था। उनके चैनल में आप विजिट करोगे तो फर्स्ट उनके चैनल में ही आर्ट कॉम्पिटिशन वही फर्स्ट आर्ट कॉम्पिटिशन था, और मैंने भी शायद सेकेंड आर्ट कॉम्पिटिशन में उनके चैनल में पार्टिसिपेट किया था। और उससे पहले मैंने किया था आर्ट अड्डा आर्ट अड्डा, तो उनके चैनल में पार्टिसिपेट किया था, तो गॉड्स ड्राइंग टाइटल था थीम था, तो उसके ऊपर मैंने ड्रॉ किया था। उसमें तो सिलेक्ट होना दूर की बात कि 1 सेकंड तक भी आर्ट ऑफ नहीं दिखाया, शायद स्क्रॉल हो गया, और तब मुझे बहुत बुरा लगा था। अब मुझे पता चल रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, ये आर्ट ऑफ उस लाइक है ही नहीं था ही नहीं। फिर से बहुत सारे लोग हम जो आर्ट कॉम्पिटिशन में उनका आर्ट ऑफ सिलेक्ट नहीं करते हैं टॉप 3 तो जो भी टॉप आर्ट ऑफ में, तो उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि हमारा आर्ट ऑफ तो अच्छा था पर हमें फिर भी हमें सिलेक्ट नहीं किया, वो हमें दूसरे की मिस्टेक ही दिखता है, खुद का आर्ट में जो मिस्टेक है वो हमें तुरंत नहीं दिखता है। जब हम कुछ समय प्रैक्टिस करते जाएंगे बहुत समय के बाद आप खुद अनुभव हो जाएगा, खुद लगेगा कि डिसीजन जो भी हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है।
सही दिया गया। आप खुद ही हंसोगे कि ऐसे ही आर्टवर्क लेकर मैंने आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। मेरा खुद का एक्सपीरियंस, शायद आपका ना भी हो सके। और इन 3 सालों में मैंने लगभग जो है 30+ आर्ट कॉम्पिटिशन में जो है पार्टिसिपेट किया है, शायद या फिर कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत, या फिर कम भी उससे ज़्यादा भी हो सकता है। पर आज तक सिर्फ 30 आर्ट कॉम्पिटिशन में सिर्फ एक ही आर्ट कॉम्पिटिशन में जो सेकेंड पोजिशन मुझे मिला है ऑनलाइन आर्ट कॉम्पिटिशन में, वो भी 2020 में। तो मेरा ये सब जितने भी आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूँ, मेरा तो एक ही एम है कि संजू आर्ट जी के चैनल में एक बार विनर बन जाओ। बाकी जितने चैनल में विनर बनूँ उसके बाद शायद मैं कोई और आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ना भी कर सकूँ, इसलिए मैं उनके चैनल में जो मुझे अच्छा लगता है टॉपिक जो भी रेफरेंस पर दिया जाता है तो मैं उनके चैनल में पार्टिसिपेट करता हूँ। बाकी अगर मुझे अच्छा ना लगे कोई टॉपिक जो भी रेफरेंस पर दिया जाता है तो मैं आर्ट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। तो लास्ट में हम जो है हाईलाइट कर रहे हैं वाटर कलर से, या फिर वाइट कलर यूज़ कर रहे हैं। उससे पहले हमने येलो कलर यूज़ किया, येलो कलर मेरे पास नहीं था तो मैंने क्या किया, जो लाइट ग्रीन कलर, बिल्कुल लाइट जो है ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन से भी जो एक लाइट ग्रीन मिलता है उसको मैंने डार्क ब्लू कलर से मिक्सअप किया। उसके बाद उससे एक अलग कलर मिला मुझे जो है बिल्कुल लाइट भी नहीं बिल्कुल डार्क भी नहीं, मीडियम ब्लू, सॉरी मैंने ब्लू कह दिया, येलो कलर। उससे मैंने इस तरह से किया कि मेरे पास जो है मैंने जो मीडियम ब्लू कलर होता है, सॉरी बार बार ब्लू कर रहा हूँ, येलो कलर होता है वो ख़त्म हो चुका है, तो उसका ज़्यादा यूज़ होता है इसमें क्योंकि ज्वेलरीज को ड्रॉ करने में, इसलिए वो ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से मैंने जुगाड़ लगाया। तो आप भी आपके पास कलर नहीं है तो कुछ इस तरह से जुगाड़ लगाओ कि कैसे इस कलर को हम किस तरह से कौन कौन से कलर मिक्सअप करने से ऐसा कलर निकलेगा। तो अगर आपने वीडियो को बिना स्किप करे यहाँ तक देख रहे हो, इस टाइम पीरियड को जरूर ऐड करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय सियाराम, जरूर लिख के जाना, जय श्री राम।